हेलो एवरीवन, हमारे बच्चों की जमा घटा गुणा से तो दोस्ती हो चुकी है, लेकिन भाग अभी बाकी है। बहुत बार क्या होता है, बच्चे जमा घटा गुणा करने में तो माहिर हो जाते हैं, लेकिन भाग करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम बात करेंगे इसी पर। हमारा टॉपिक है भाग। मैं आपको भाग करने का एक सरल तरीका बताऊंगी, जो कि एक ठोस तरीका है और बच्चे उसे बहुत आसानी से सीख लेते हैं। मान लीजिए कि हमें बच्चों को सिखाना है 8/2, मतलब कि 8 को 2 से भाग करो। हम बच्चों को क्या बोल देते हैं, बोल देते हैं ये बनाकर कि जिस जिसको पहाड़े आते हैं वो तो जिसको कर लेगा, लेकिन जिसको पहाड़े नहीं आते हैं वो पहले पहाड़े याद करो, उसके बाद आप भाग करना। हम बहुत सारे बच्चों को ये बोल देते हैं, लेकिन आज हम ये करने से पहले, ये तरीका जानने से पहले एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है 8 दोस्तों की कहानी, जो कि एक मैदान में खेल रहे होते हैं। और जैसे ही वो खेल रहे होते हैं, उनके अंकल वहां पर आते हैं और अंकल सभी बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों इधर आओ। सभी बच्चे जाते हैं और बोलते हैं, हाँ जी अंकल बोलिए। तो अंकल बोलते हैं कि तुम्हें वो चीज बहुत पसंद है ना, बच्चे जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, चॉकलेट। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, और अंकल उनको एक एक चॉकलेट देते हैं। और अंकल बोलते हैं कि पता है नदी के पार एक नई फैक्ट्री खुली है और उस फैक्ट्री में ढेर सारी चॉकलेट बनती हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे उन फैक्ट्री में जाने के बारे में सोचते हैं और वो अपने अंकल से उस फैक्ट्री का रास्ता पूछते हैं। तो जब बच्चे जा रहे होते हैं फैक्ट्री की तरफ, वो नदी को आसानी से पार करके दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, वो पीछे मुड़कर देखते हैं, नदी में तो क्या था, एक मगरमच्छ। उन्होंने पहले नहीं देखा, तो वो बचकर निकल जाते हैं और फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री तक पहुंचने के बाद वो वहां पर ढेर सारी चॉकलेट खाते हैं और ढेर सारी चॉकलेट अपने बैग में पैक करवाते हैं, ताकि वो वापस घर पर जा सके और बहुत दिन तक उन चॉकलेट को खा सके। तो वो बच्चे जब वापस घर जा रहे होते हैं, तो उन्हें याद आता है कि नदी में तो क्या है, मगरमच्छ। तो वो डर जाते हैं और डरते डरते वो एक अंकल से पूछते हैं कि अंकल अंकल, हमें तो अपने घर पर जाना था, लेकिन नदी में तो क्या बैठा है, मगरमच्छ। तो अंकल बोलते हैं, अच्छा आप कितने बच्चे हो, बोले कि हम 8 बच्चे हैं। तो अंकल बोलते हैं, ये मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ, मेरे पास क्या है, एक हेलीकॉप्टर, और वो आपको नदी के इस पार से इस पार तक छोड़ सकता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो अंकल बोलते हैं, अच्छा आप सब लाइन में खड़े हो जाओ, मान लो कि ये हमारे वो बच्चे हैं, ये हमारी नदी है, टोटल कितने बच्चे हैं, 8। तो अंकल बोलते हैं, आप लोग लाइन में तो खड़े हो गए हो, लेकिन मेरे हेलीकॉप्टर की कंडीशन है, ये एक बार में सिर्फ 2 ही बच्चों को लेकर जा सकता है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम एक बार में 2-2 लोग जाएंगे। तो इसी तरीके से 2 लोग हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और हेलीकॉप्टर चलता है और नदी के दूसरी तरफ उतर जाता है और हेलीकॉप्टर बच्चों को उतार देता है। इसी तरीके से हेलीकॉप्टर फिर से चलता है और पहुंच जाता है नदी के इस पार, और फिर से 2 बच्चों को बिठाता है और उड़ता हुआ आ जाता है नदी के इस पार। ये कि कौन सा चक्कर है हेलीकॉप्टर का, दूसरा। फिर हेलीकॉप्टर जाता है, फिर से 2 बच्चों को बिठा लेता है। बिठाने के बाद में हेलीकॉप्टर फिर से उड़ता है और तीसरे चक्कर में वो अगले 2 बच्चों को लेकर आता है। हेलीकॉप्टर फिर वापस जाता है और फिर से 2 बच्चों को बिठाता है और यहाँ पर छोड़ देता है। और बच्चे हेलीकॉप्टर वाले अंकल का धन्यवाद देते हैं और अंकल वापस चले जाते हैं। अभी बच्चे सोचते हैं
कि अरे हमें अंकल छोड़ने आए तो हेलीकॉप्टर को कितने चक्कर लगाने पड़े। तो वो सोचते हैं, वो गिनते हैं कि एक चक्कर हमारा, दूसरा चक्कर हमारा, तीसरा चक्कर हमारा और चौथा चक्कर हमारा। तो टोटल कितने चक्कर लगाने हुए? 4। हाँ, 8 बच्चे थे, दो दो करके हम उनको नदी के इस पार लेकर आए, तो हमारा कितनी बार हुआ? 4 बार। तो ये जो बार होता है ना, हमें वही कैलकुलेट करना है। अभी हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमें नदी से इस पार है हमारे 20 लोग और हमें उनको 5-5 करके लाना है, ठीक है। नदी से इस पार है 20 लोग, हमें 5-5 करके लाना है, तो वो हेलीकॉप्टर कितनी बार आएगा, ठीक है। 20 लोग हैं, हम गिन के यहाँ पर 20 लोगों को खड़ा कर देते हैं। ये हुए 20 लोग। अब 20 लोगों को हमें इस पार लेकर आना है और हमारा हेलीकॉप्टर एक बार में कितने लोगों को लेकर आ सकता है? 5 लोगों को। तो हेलीकॉप्टर ने दे दी कंडीशन कि अरे मैं तो एक बार में 5 ही लोगों को लेकर जाऊंगा, 5 से ज्यादा लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा। तो हम बिठाएंगे ऐसे 1, 2, 3, 4 और 5। 5 लोगों को हमने बिठाया और हेलीकॉप्टर आ गया इधर और हेलीकॉप्टर में से उतार दिया। हेलीकॉप्टर फिर से गया और यहाँ पर 5 लोगों को फिर से बिठा लिया। हेलीकॉप्टर गया और 5 लोगों को बिठा लिया और हेलीकॉप्टर उड़कर आ गया और लोगों को उतारने के बाद में हेलीकॉप्टर वापस से चला गया। अभी वहां पर कुछ लोग बचे हुए हैं। बचे हुए हैं क्या? नहीं बचे हुए। तो मतलब हमारा शेष कुछ नहीं बचा है। शेष कुछ नहीं बचा है मतलब शेष फल हमारा कुछ नहीं बचा है। और हेलीकॉप्टर के चक्कर कितने हुए? हेलीकॉप्टर के चक्कर हुए 4। तो हमारा क्या आया? 20 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो हमारा कितनी बार आया? 4 बार। तो शेषफल तो कुछ नहीं है, तो इसी वजह से शेषफल कुछ नहीं होगा। अगर इसी तरीके से हम लोग भाग करते हैं 21 को भाग करते हैं हम 6 से। मान लीजिए हमारे पास 21 लोग हैं और उनको नदी के इस पार आना है, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर की कंडीशन है कि एक बार में सिर्फ 6 ही लोग मैं लेकर जाऊंगा, ज्यादा लोगों को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो हम क्या करेंगे? 6 लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठा देंगे। 6 लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया और बच्चों को यहाँ छोड़ने हेलीकॉप्टर आया। इसी तरीके से हेलीकॉप्टर गया और 6 लोगों को बिठाकर लाया। बिठाकर लाने के बाद नदी के इस पार आया, लोगों को छोड़ा और इस पार चला गया। फिर से हेलीकॉप्टर आया, 6 लोगों को बिठाया और नदी के इस पार आ गया। लोगों को उतारने के बाद हेलीकॉप्टर मुड़ा और वापस से चला गया। अभी यहाँ हमारे पास कितने लोग बचे हैं? 3। लेकिन हेलीकॉप्टर तो लेकर नहीं जाएगा 3 लोगों को। हेलीकॉप्टर तो 6 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं लेकर जाएगा, तो हेलीकॉप्टर जाने से मना कर देता है। तो हमारे हेलीकॉप्टर के कितने चक्कर हुए? हेलीकॉप्टर के हुए 3 चक्कर। और बाकी कितने बचे? 3 लोग बच गए। यानी कि शेष कितना हुआ? शेष हुआ 3। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमारे 21 हमारे लोग थे जो कि नदी के इस पार फंसे हुए थे, 6-6 करके हमारे हेलीकॉप्टर ने उनको छोड़ा
हमारा भागफल आया 3, 3 टाइम आया हमारा 1 2 3, 3 टाइम्स मतलब 3 बार हुआ हमारा चक्कर। 3 बार चक्कर होने के बाद शेष कितना बचा, शेष हमारा बचा 3, क्योंकि हेलीकॉप्टर इनको नहीं ला सकता, हेलीकॉप्टर को तो कम से कम 6 लोग चाहिए, तो हमारा शेष फल कितना बचा 3, 3 हमारा रह गया शेष फल। अभी इसी तरीके से हम लोग बच्चों को जब ये प्रैक्टिस हो जाता है और बच्चे बिना बिना ट्रिप के बिना हेलीकॉप्टर के बताना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या हमारा कितनी बार आएगा, किसको करने से कितनी बार आएगा, तो हम बच्चों को बड़ी संख्याओं पर भी लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए कि 250 लोग हैं हमारे नदी के इस पार और हमें उनको 50-50 करके हमारा हेलीकॉप्टर उनको ला सकता है, तो हमारा कितने टाइम आएगा, कितनी बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 250 लिखेंगे। बच्चे इसको खुद से एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं और एक बार में 50 लोगों को हेलीकॉप्टर लेकर जा सकता है। तो पहला ट्रिप जब गया, पहला हेलीकॉप्टर जब उड़ा, मान लो कि वो पहली बार में गए 50, ठीक है, कितना बचा 200, फिर दूसरी बार में गए 50, कितना बचा 150, फिर तीसरी बार में कितने गए 50, कितना बचा 100, फिर चौथी बारी में कितने गए 50, कितना बचा, यहाँ पर बचा 50, पांचवी बारी में कितने गए 50, और फिर कितना बचा, कुछ भी नहीं। टोटल कितने ट्रिप हुए, टोटल हमारे हुए 5 ट्रिप, यानी कि 5 टाइम, 5 बार, 5 टाइम, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे बड़ी से बड़ी संख्या बहुत आसानी से करना सीख जाते हैं। मान लीजिए हमें करना है 1028, ठीक है, हमें उसको करना है 200 से, हमें इसको 200 से भाग करना है, और बच्चे बहुत आसानी से इसको बता पाएंगे कि पहले ट्रिप में गए कितने लोग जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 200, 200 को भेज देंगे, अभी कितना बचा 828, दूसरा ट्रिप गया कितने लोग गए 200, तो ये बचा 628, फिर 200 का ट्रिप गया तीसरा, फिर कितना बचा 428, इसी तरीके से चौथा ट्रिप हमारा गया 200 का, और हमारा कितना बचा, हमारा बच गया 228, पांचवा ट्रिप गया 200 का, तो ये हमारा बच गया 28, यानी कि भागफल हुआ 5 और शेषफल हुआ 28। इसी तरीके से बच्चे बड़ी से बड़ी संख्याओं को कर सकते हैं। धन्यवाद।